आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही पहुंचे राज्यपाल बीडी मिश्रा। केएनपीजी यूनिवर्सिटी चीन को उसकी औकात और आनापुर अंडरपास खबर है कुछ खास। भदोही जनपद में जन्मे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा सोमवार को अपने पैतृक निवास गोपीगंज के कठौता पहुंचे। इस दौरान जनपद के लगभग सभी आला अधिकारियों का जमावड़ा उनके आवास पर लगा रहा। इतना ही नहीं, जनपद के विकास को लेकर जनपद के युवा और क्षेत्रवासी गुहार लगाने राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। समस्याओं के इस क्रम में विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग रखी और कहा कि हमारी बात शासन तक पहुंचाएं। इस पर राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने जिलाधिकारी गौरांग राठी से कहा कि काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का अपना एक अलग इतिहास रहा है जिसने कई विभूतियों को जन्म दिया। ऐसे में आप यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग शासन तक भेजें, मैं शासन से इस संबंध में बात करूंगा। यूनिवर्सिटी बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांग लेकर पहुंचे शिवम शुक्ला, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आनंद पांडे, रोहित पांडे, मंजेश तिवारी, संदीप यादव, अतुल तिवारी आदि ने मांग पत्र राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा को सौंपा। इसके साथ ही पास के ही गांव आनापुर में रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दिए जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ऐसे में राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने जिलाधिकारी गौरांग राठी से अंडरपास बनाने के लिए निर्देशित किया। राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि आज जो देश का शीर्ष नेतृत्व है इतना दृढ़ संकल्पित है कि हम अपने देश के अंदर चीनी सेना को एक इंच भी घुसने नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के आर्मी कमांडर से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए निगरानी कार्य किया जा रहा है। हमारे देश के वीर जवान इस बात पर अडिग है कि चाहे जान भले ही जाए, देश का एक इंच जमीन भी हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि भारत की हर एक जमीन हमारे कलेजे का टुकड़ा है और हमारे साथ रहेगा। राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में भारत चीन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर रक्षा व सामरिक दृष्टिकोण से उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण तीव्र गति से कराया जा रहा है जिससे सैनिकों को आवागमन, बंकर, रसद सामग्री, अन्य कार्यों के क्रियान्वयन में सुगमता होगी। उन्होंने बताया कि आज देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भुज से असम तक एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करते हुए एकता और अखंडता के साथ राष्ट्रीय माला से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला व अन्य स्थानीय परंपरा युक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जनमानस की सुविधागम्य भव्य आयोजन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सुव्यवस्थित निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नवनिर्मित हवाई अड्डा, 157 किलोमीटर म्यांमार सीमा तक लंबी सड़क का निर्माण तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में अन्य विकासात्मक कार्य प्रगति पर है। 31 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय अतिरिक्त प्रभार ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा का अपने पैतृक आवास कठौता गोपीगंज आगमन पर जिलाधिकारी गौरांग राठी एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए शिष्टाचार भेंट वार्ता की। इस अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के विकासात्मक कार्यों सहित शांति व्यवस्था व कानून विषयक अद्यतन जानकारियों से अवगत कराया गया। राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने पैतृक मकान परिसर में निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन कर निर्माण के कार्य अन्य विकासात्मक बिंदुओं पर निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने घर आए परिचितों व आमजन मानस से एक परिवार के सदस्य की तरह मिलते हुए उनका कुशलक्षेम पूछा तथा उनकी आवश्यकताओं व शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अश्वनी कुमार पांडे, पुलिस क्षेत्राधिकारी भुवनेश्वर पांडे, अजय सिंह चौहान, अन्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सहित जनता जनार्दन उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है हमारे देश का इतना दृढ़ है और इतना वो संकल्प का है कि चीन को हम एक इंच घुसने नहीं देंगे। मैं वहीं का गवर्नर हूं और जो वहां के आर्मी कमांडर है उनसे हमारा रोज का संपर्क है।
हमारी सेनाएं जो हैं, हमारे जवान, माने सबसे जो छोटे रैंक का जवान है उसको मादा यह है कि हम मर मिटेंगे, एक जमीन हमारी जाएगी नहीं। आप लोगों को मैं श्योर करना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारी फौज खड़ी है वो हम एक कदम उस तरफ हैं, इस तरफ नहीं है। जो भ्रम फैलाया जाता है उस भ्रम को मैं कहता हूँ कि वो गलत है। भारत की हर एक जमीन हमारे कलेजे का टुकड़ा है और हमारे साथ रहेगा, आप इस पर आश्वस्त हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की कुछ प्रतिमाएं जलाई जा रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं खुद रामचरितमानस हमेशा पढ़ता हूँ, वाल्मीकि रामायण हमेशा पढ़ता हूँ। हमारी आस्था है और बाकी स्वतंत्र भारत है, इसमें सब स्वतंत्र नागरिक हैं, सबको एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, तो इस पर कमेंट नहीं करना ठीक होगा। अच्छा, वहाँ पे बॉर्डर में काफ़ी डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी हो रहे हैं, अभी पीएम जो वहाँ सीएम है उन्होंने कुछ उद्घाटन वगैरह किया विकास कार्यों का, इससे किस तरीके की मजबूती? देखिए, ऐसा है, हमारे पास दो राज्य हैं, एक है अरुणाचल, दूसरा है हमारे यहाँ मेघालय। अरुणाचल की जो हमारी सीमा है 1080 किलोमीटर, ये हमारी सीमा तिब्बत से मिलती है। हमारे यहाँ अब जो प्रोग्राम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी उनके दौरे में आए थे, वहाँ सब ये डिसाइड हो गया है, तो हम वहाँ पर पूरी रोड बनाएंगे, काम शुरू हो गया है। हमारे जितने सेनानी हैं वो सब तैनात हैं, उनके लिए बंकर्स, हर चीज़ें सुविधा हो गई हैं। हमारे यहाँ जितने अस्त्र शस्त्र हैं वो सब पायस्ड हैं और ये उसको पता है। अच्छा, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके लिए अभी मांग हो रही है आपका चंद्र बस वगैरह चलाने के लिए, तो उस पर किस तरीके से डेवलपमेंट होगा? देखिए, एक बात श्रेष्ठ बात, अगर हम ये नहीं, इस मंत्र को हम नहीं समझते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हम कुछ नहीं समझते। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक और इधर भूज से लेकर के वहाँ आसाम तक सब एक, तो हमारा तो ये जो पर्यटन चल रहा है ना, ये तो रोड डेवलप हो रहा है। हमारे यहाँ परशुराम कुंड है, अभी वहाँ पर मेला हुआ था और इतने लोग आए थे, तो मैंने ये कहा था अपने प्रशासन से कि सबको पूरी सुविधा हो। वहाँ हम एक विस्तृत कार्यक्रम चला रहे हैं, हमने अभी अपनी हवाई अड्डा बनाया है, बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया है, हमने अभी 157 किलोमीटर की रोड बनाई है विजयनगर में, जो कि म्यांमार के बॉर्डर पर है। विकास की गति उत्तर पूर्व राज्यों में आठों में इस तरीके से चल रही है कि आप जब आएंगे तभी आप समझ पाएंगे, कल्पना यहाँ से नहीं कर सकते, तो आपको इंटेंशन है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।